छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर वोटिंग, रमन सिंह सहित कई दिग्गजों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद, तो वहीं मिजोरम की 40 सीटों के लिए भी मतदान जारी। आचार संहिता लगने के बाद अमित शाह का राजस्थान का पहला दौरा आज, कुचामन मकराना पर्वतसर में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा का अंतिम दिन केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना, मंदिर के भंडारों में भक्तों को परोसा भोजन, एक दिन पहले पिलाई थी चाय। चुनावी अभियान में कांग्रेसी गारंटी यात्रा आज से मोती डूंगरी गणेश मंदिर से होगा यात्रा का आगाज, प्रदेश के सभी संभागों के लिए रवाना होंगे रथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण, 7 दिन में कुल 2605 उम्मीदवारों ने 3436 नामांकन भरे, आज रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में होगी नामांकन पत्रों की जांच। विधानसभा चुनाव 2023 जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्र से 289 प्रत्याशियों ने 377 नामांकन पत्र किए दाखिल, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से 31 उम्मीदवारों ने किए नामांकन। प्रदूषण के कहर से सांसों में घुल रहा जहर, दिल्ली एनसीआर की हवा से सांस लेना दुर्भर, अब नोएडा में भी BS3 और BS4 वाहनों पर लगी रोक, कम दूरी तय करने के लिए साइकिल का करें प्रयोग। दिल्ली एनसीआर में बेकाबू होते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू, 13 से 20 नवंबर तक रहेगी ऑड इवन की पाबंदियां, 10 नवंबर तक स्कूल बंद। यूपी में बढ़ते प्रदूषण का असर, धुंध से आगोश में ताजमहल, दूर से दिखा धुंधला, आंखों में जलन, सांस लेने में हुई परेशानी। राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 9 और 10 सितंबर को बारिश की जताई संभावना, बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना। मुख्यमंत्री गहलोत ने सरदारपुरा से किया नामांकन दाखिल, पर्चा भरने के बाद चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, उमेद सिंह स्टेडियम में जनसभा को किया संबोधित, कहा जनता ने सरकार रिपीट करने का बना लिया है मन। सरदारपुर से अशोक गहलोत ने भरा नामांकन, अशोक गहलोत की सालाना आय बढ़कर 25.74 लाख पहुंची, अशोक गहलोत के खिलाफ 4 केस पेंडिंग, नामांकन पत्र में सीएम गहलोत ने दी जानकारी। जोधपुर में नामांकन सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम गहलोत की जमकर की तारीफ, कहा सीएम गहलोत सबको साथ लेकर चलने वाले नेता, केंद्र पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार जनता पर बना रही दबाव। 1985 बैच के IAS अधिकारी हीरालाल सामरिया बने भारत के मुख्य सूचना आयोग, भारत के पहले दलित CIC हैं हीरालाल सामरिया, राजस्थान के भरतपुर जिले में जन्मे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन कर की विशेष पूजा अर्चना, मंदिर सचिव MK माथुर ने स्वागत कर की लड्डू की प्रसाद की भेंट। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण, एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 28 दिन में की रिकॉर्ड कार्रवाई, आचार संहिता से अब तक 517 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीजर, 2018 चुनाव की तुलना में 734% से अधिक की कार्रवाई। जयपुर के गणपति प्लाजा में सोमवार को 2 लॉकर्स ने उगली नकदियां, अधिकारियों ने जब्त की 1,25,50,000 की नकदी, 2 अलग अलग कारोबारियों के बताए जा रहे लॉकर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा अब मैं विश्वस्त हूं बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। धौलपुर की बाड़ी नगर पालिका में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस ने 39% बीजेपी में हुए शामिल, सेवा दल की अध्यक्ष भी हुई भाजपा में शामिल, भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा का किया समर्थन। अजमेर निगम नियुक्त के नवंबर से अधिकारियों को कॉल करने का मामला, पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, इंटरनेट के जरिए स्कूप कर कलेक्टर और निगम कर्मियों को किए थे कॉल। चोमू के कालाडेरा में शराब ठेके पर हुई लूट की वारदात का खुलासा, ठेके से लूटी गई लाखों रुपयों की शराब बरामद, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार।
अयोध्या राम मंदिर से 36 दिन में जयपुर पहुंची राम ज्योति। मोहाना गांव में बैंड बाजे से पालकी पर निकली भव्य ज्योति यात्रा। श्री चारभुजा मंदिर में दिवाली तक जलेगी अखंड ज्योत। सिरोही के शिवगंज में एक व्यक्ति की संगीन मौत। जोयला गांव में कमरे में संगीन हालत में मिला शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, किराए के कमरे में रहता था मृतक। चूरू के सादुलपुर में वोट बारात निकालकर अधिक से अधिक मतदान करने का दिया संदेश। सरकारी विभाग की गाड़ियों को फूलों से सजाकर निकली वोट या बारात। अनूपगढ़ के श्री वजनगर में थानाधिकारी विकास विश्नोई ने मिट्टी खनन करते दो ट्रैक्टर को किया सीज। जिला प्रशासन के आदेश अनुसार स्थानीय पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं क्षेत्र में ईंट भट्टों पर धड़ल्ले से खनन अभी भी जारी। जयपुर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने चुनावों को लेकर मोहल्ला मीटिंग सहित पुलिस को आमजन से जोड़ने वाली अन्य गतिविधियों को तेज करने के दिए निर्देश। मोहल्ला मीटिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। भरतपुर में आचार संहिता के उल्लंघन पर एसपी का एक्शन। एसपी मृदुल कच्चावा ने तीन पीएसओ को किया लाइन हाजिर। कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर अवाना की सुरक्षा में तैनात थे तीनों। चित्तौड़गढ़ के कपासन में धुधुकर जला बिजली ट्रांसफार्मर। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। आग के चलते एरिया की सप्लाई ठप। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ से भरा ट्रक किया बरामद। करीब 50 लाख रुपए का 10.5 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा किया बरामद। चालक गिरफ्तार। आबू रोड में फोरलेन हाईवे पर दो कारों की आमने सामने भिड़ंत। कार में सवार 4 लोग हुए घायल। उपचार के बाद घायलों को किया रेफर। डूंगरपुर में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना। खिड़की से लोहे की जाली के गए चोर। पिछली 2.5 महीने से चौथी बार चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के बाद अब अलवर में प्रदूषण का दिखा असर। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने निकाला आदेश। पटाखे बेचने और चलाने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। क्रेशर माइनिंग जोन पर लगाई रोक। अलवर शहर से कुल 13 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। अलवर ग्रामीण से कुल 8 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 9 नवंबर को किए जाएंगे सिंबल अलॉटमेंट। भीलवाड़ा के अटलपुरा गांव में बाड़े में रखे चारे में लगी आग। आग से 10 गाड़ी करीब चारा जलकर हुआ राख। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र की है ये घटना। कठुमर में भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट। चाकुओं से गोदखोर की हत्या। सीओ अशोक चौहान और थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने घटना स्थल का लिया जायजा। आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस का एक्शन। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने 15 किलो डोडा चूरा किया बरामद। करीब 2.25 लाख रुपए का डोडा चूरा किया बरामद। यूपी निवासी आरोपी युवक गिरफ्तार। कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल का वीडियो वायरल। बोले मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है सोनिया गांधी होता है। हालांकि सच बेधड़क नहीं करता, वायरल वीडियो की पुष्टि। लूट करंट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मुंड ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले सभा को किया संबोधित। पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सिवर और मुख राम धतरवाल भी रहे मौजूद। तीसरी बार बागी हुए गिरधारी लाल तिवारी। भरतपुर से बीजेपी के खिलाफ अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। पूर्व जिला अध्यक्ष तिवारी निर्दलीय से नामांकन किया दाखिल। शांति धारीवाल ने किया नामांकन दाखिल। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किया अपना नामांकन पेश। कोटा उत्तर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी है शांति धारीवाल। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट के विवादित बोल। सरपंचों के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कोटा के केलवाड़ा में निजी बस ने पीछे से टक्कर को मारी टक्कर। हादसे में बस सवार कई यात्री हुए चोटिल। वहीं अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतरा ट्रक।
सिरोही के शिवगंज में मिठाई के कारखाने में लगी भीषण आग, काम करने वाले दो व्यक्ति झुलसे, जगदीश रेस्टोरेंट के कारखाने का मामला। झुंझुनू जिले में लगातार बढ़ता जा रहा पॉल्यूशन, AQI पहुंचा 275 पार। जिले में लगातार बढ़ रहा स्मोक, कोहरे और धुएं की मिक्सचर से बन रहा स्मोक। भरतपुर के बयाना में सांड का आतंक, सड़कों पर खड़े वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, सुबह टहलने वाले राहगीरों और बाइक सवारों को किया हमला। झुंझुनू के मंडा में FST टीम की कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान टीम ने कार से पकड़ी नकदी, 2,30,900 रुपए की नकदी जब्त। जयपुर में महिला यातायात पुलिसकर्मी ने बढ़ाया राजस्थान पुलिस का गौरव, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में प्रियंका मीना ने जीता स्वर्ण, तीरंदाजी प्रतियोगिता में अचूक निशाने से मिला पदक। बालोतरा नगाड़ा चौराहे पर कार डंपर में भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, करीब 5 लोग हुए गंभीर घायल। पाली के बाली में तेज रफ्तार जीप ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, बाइक सवार 4 लोग हुए घायल, जीप चालक हुआ मौके से फरार, पुलिस कर रही तलाश। नागौर में ASI से दबा ऑटोमेटिक पिस्टल का ट्रिगर, सिर में लगी गोली, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, पुलिस लाइन की घटना। अलवर शहर में नहीं थमरा बाइक चोरी का सिलसिला, घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा कर ले गए चोर, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात। जालौर के जसवंतपुरा में पुजारी का शव मिलने से फैली सनसनी, नीलकंठ महादेव मंदिर के पुजारी का शव मिला, 6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा शव, हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में जुआ खेलते 7 आरोपी को पकड़ा, 85,870 रुपए की राशि की जब्त, DST प्रभारी गोविंद राम बिश्नोई ने की कार्रवाई। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में बिजली के पोल से टकराई अनियंत्रित कार, गौरव पथ पर 11,000 KV पोल से टकराई कार, सांड को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, बाल बाल बचा कार चालक। विधानसभा आम चुनाव, 2 सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक पहुंचे डूंगरपुर, चुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर के पीछे घुसी अनियंत्रित बाइक, हादसे में युवक की हुई मौत। भिवाड़ी में विवाहिता में पति और सास पर लगाए गंभीर आरोप, बेटी की मौत को लेकर दोनों को बताया जिम्मेदार, SP से इंसाफ की लगाई गुहार। राजसमंद के नाथद्वारा में रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऋषि सुधांशु पांडे ने रैली को दिखाई हरी झंडी, लोगों को मतदान करने और बाल विवाह रोकने को लेकर किया जागरूक। धौलपुर के सरमथुरा में वोट बारात निकालकर मतदाताओं को किया गया जागरूक, विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने की अपील, नगर पालिका और अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल सहित अन्य रहे मौजूद। सिरोही के रेवदर में किसानों का प्रदर्शन, 3-फेज बिजली कटौती की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, जेईन ने मौके पर पहुंची समझाइश, धानेरा गांव स्थित GSS का मामला। उदयपुर के खेरवाड़ा में बाइक की अनियंत्रित होकर स्लीप होने से दर्दनाक हादसा, घायल युवक को परिजन डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों की टीम ने किया मृत घोषित। पीपलदा विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म, 15 नामांकन फॉर्म हुए जमा, कल होगी नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी, रिटर्निंग अधिकारी नीता वसीटा ने दी जानकारी। डूंगरपुर में मतदान जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट से बिछीवाड़ा 25 किलोमीटर की साइकिल मैराथन रैली निकाली गई, जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। झुंझुनू के सिंघाना में ग्रामीणों ने पेयजल समेत अन्य समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शन के बाद मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी, हुक्मा की धाड़ी का मामला। सवाईमाधोपुर से भाजपा से बागी होकर आशा मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया दाखिल, कहा जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे।
सिरोही के आबू रोड में पुलिस ने दो वांछित आरोपी किए गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 427 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट किया बरामद। अनूपगढ़ के रावला में समर्थन मूल्य पर किसानों ने सरकार को बेची सरसों। भुगतान नहीं होने पर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों की चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। भाजपा ने मसूदा से बदला अपना टिकट। तथ्यों को छुपाने पर अभिषेक सिंह का बदला टिकट। अब वीरेंद्र सिंह कनावत होंगे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। सिरोही के शिवगंज में सच बेदड़ की खबर का हुआ बड़ा असर। बिपरजॉय तूफान के दौरान कॉपर वायर घोटाले का मामला। खबर प्रकाशित होने के बाद डिस्कॉम के अधिकारी आए हरकत में। मामले की शुरू जांच। सिरोही में सच बेदड़ की खबर का हुआ बड़ा असर। खबर प्रसारित होने के बाद माउंट आबू रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्टीकरण जारी कर स्वीकार की गलती। रिटर्निंग अधिकारी ने मुन्नी जी भगवान को जारी किया था नोटिस। जैसलमेर के पोखरण में सच बेदड़ की खबर का हुआ असर। मार्ग पर बमनुमा वस्तु मिलने का मामला। पुलिस और सैन्य विभाग ने मौके से हटाई बमनुमा वस्तु। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। बीकानेर के कोलायत में सरकारी भूमि पर अवैध खनन का मामला आया सामने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव की भूमि पर हो रहा खनन। हथियारबंद खनन माफिया से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अवैध गंगापुर सिटी के बामनबास से मिलावटखोरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा टीम ने की कार्रवाई। 400 किलो मिलावटी चाशनी कार्रवाई नष्ट। टीम ने मिठाइयों और वनस्पति तेल का किया लिया सैंपल। दौसा कलेक्ट्री के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। हरिद्वार से जयपुर आ रही बस पुलिया से करीब 30 फीट नीचे गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत। 24 से अधिक यात्री हुए घायल। झुंझुनू में अस्थि विसर्जन कर लौट रहे परिवार पर हमला। कार सवार युवकों ने किया परिवार पर हमला। हमले में 3 सदस्य हुए घायल। अयोध्या राम मंदिर से 36 दिन में जयपुर पहुंची राम ज्योति। मुहाना स्थित चारभुजा मंदिर में किया भव्य स्वागत। पूरे ग्रामीण इलाके में बैंड बाजे से निकाली पालकी की शोभा यात्रा।